तो आज का मेन्यू क्या है वैसे? रायता और एक अनप्लांड सब्जी भी तैयार हो रही है। What's up, you beautiful people? थोड़ा चेहरा उतरा सा दिख रहा होगा ना, हल्की सी उदासी उदासी टाइप की कुछ हो रही है, थोड़ा सा मूड ऑफ है। तो मुझे लगता है कि शेव वेव करता हूँ, ज़रा चेहरा फ्रेशन अप करता हूँ, फिर मिल रहे हैं अपन फटाक से। इस चेहरे के साथ सबको पसंद आ जाऊँ मैं, कोई 2000 का नोट थोड़ी लाऊँ। मिल रहा है शुक्रवार, इधर काम वाम चालू है और इधर बन रहा है कद्दू। कद्दू कट रहा है, आलू खा लो, आलू और बीच में रखा है आलू। खाओ तो कद्दू से, ना खाओ तो कद्दू से, एज पर पापाज वर्ड। हाँ। वो बन जाएगा टाइटल पता है। हाँ, खाओ तो कद्दू से, नहीं खाओ तो कद्दू से। आज है शुक्रवार और शनिवार को आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे। शनिवार को ब्लॉग क्या देख रहे होंगे, दिस इज एपिसोड नंबर 7 ऑफ पांचाल के पकवान। और आज कुछ अलग सा दिखा रहे हैं। चलो अभी थोड़ी सी आवाज पीछे से आ रही है, अपन मिल रहे हैं फटाक से। तो भाई प्रो टिप ये है कि जब भी शेव करो, ट्रिम करो इस तरह से, शेव तो नहीं, ट्रिम करो जब भी, तो इस तरह से पेपर यहाँ लगा लो ताकि क्या हो कि आपके जो ये बारीक वाले बाल है ना, ये नाली में जाके फंसे नहीं, और इसका पेपर ऐसे उठा के। अरे क्या कर रहा है? इसको हॉट डॉग बना रही हूँ मैं। कान काट दे तू तो, ये आवारा कुत्ता लगेगा, देसी कुत्ता एकदम। कान काट दो इसके हॉट डॉग के, कान छोटे कर दे इसके, देसी कुत्ता लगने लगेगा। ऑल राइट, वेलकम बैक। देखिए चेहरे पे रौनक, वेलकम बैक अगेन, दिस इज मिला की साइनन विद द टिडबिट टॉक्स। और आज का एपिसोड नंबर 7 है पांचाल के पकवान, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ। आज कुछ स्पेशल नहीं बना रहे, बट जो बना रहे हैं वो अपने आप में स्पेशल है, तो एंजॉय करो, आओ जल्दी से। हाँ ये थोड़ा कम हुआ है, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, हो गए अपन फ्रेशन अप, मूड हो गया थोड़ा सा चार्ज। 2-3 दिन से रट्टा ये लगा हुआ है कि कुछ भी अच्छी खबरें मिल ही नहीं रही है, कुछ भी अच्छी खबर या अच्छा कुछ सुनने ही नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मूड अच्छा हो। आप लोगों के साथ अच्छा बुरा सब शेयर करना है क्योंकि फैमिली हो। आड़ू रात को चाकू दे, मैं काट दूं। रात को 2 खाए थे तूने, और एक पहले खा लिया था, एक अभी खाया। 4 तो तू खा गई 8 में से, बताओ। राइट, तो इधर तैयारी हो गई है अपने कद्दू। इसे कहते हैं खाओ तो कद्दू से, ना खाओ तो भी कद्दू से, समझने वाले समझ। ये हम ने डाला इसमें राई, सौंफ, जीरा, कलौंजी और मेथी। कद्दू जनरली सभी के यहाँ बनता है, पर हमारा कद्दू पता नहीं स्पेशल हो कि नहीं आप लोगों से, ये तो आप ही लोग बता पाओगे, बट हमारा कद्दू थोड़ा सा अलग बनता है, ये बात सकती है, थोड़ा सा अलग, ऐसा नॉर्मल सा नहीं है हमारा कद्दू। हमारे कद्दू का नाम है मोनू कद्दू। मोनू कद्दू डाल दिया कद्दू, फेरी भी डाल दी थोड़ी, अभी नहीं डलेगी, पकेगा नहीं तो कद्दू। अच्छा ऐसा, तो आज का मेन्यू क्या है वैसे? कद्दू पूड़ी और रायता। कद्दू पूड़ी और रायता आज भंडारा बना रहे हैं। भंडारा स्पेशल, मैंने क्या बहुत दिनों से भंडारा खाया नहीं है ना, मैं भंडारा चटोरी हूँ। आई जस्ट लव ईटिंग भंडारा, कहीं भी चल रहा शहर भर में भंडारा है, तो उसको दिखा देंगे हमें से, तुझको मिला देंगे। ये आया एक, ये एक हमारे यहाँ का थोड़ा सा ना वो लफाई ये, बच्चा ये, है। ये वो है, एक्स टिकटॉकर लफाड़ी बच्चा है, दिन भर इसके कान में रीली बजती रहती है। ये एक लफाड़ी बच्चा है जो मम्मी से पता नहीं जाने कितनी लड़कियों को मिलाने की बातें करता है, पर आज तक मिला ही नहीं है। टिकटॉक मेरे फोन में ही नहीं था कभी, आई डोंट यूज टिकटॉक। ये डालिए इसमें कैरी, कैरी कच्चा आम, कैरी डाल दिया है, मिलाती आ रहा है। बहुत तेज हो रहा है, दिन भर में सुबह उठेगा एक आध कोई रील का गाना लोड कर लेगा और दिन भर बजता रहता है इसमें वो रील का गाना। आज कौन सा बज रहा है? आज कौन सा बज रहा है? कौन सी तो भी लड़की को मिला देंगे।
कौन सा बज रहा है? कलेजा दिखा देंगे। होए होए शर्मा गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई। आज पता नहीं कौन सा तो भी महंगी महंगी लाते हो, सिंगल मल्ट वाली शर्म नहीं आती। नहीं नहीं, हमें क्या थोड़ा शो ऑफ करने में मजा आता है। तेल की बॉटले सारी सिंगल मल्ट में है भैया, ये वाली भी महंगी है, ये तो मिलती नहीं, खैर एयरपोर्ट पे आती है सर। ये वैसे एक प्रो टिप भी है, आप चाहो तो इन दोनों के बीच में अपना क्वार्टर छुपा के रख सकते, कोई हाथ नहीं लगाएगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। सब्जी में डाल दिया तो जीरे के छोंक में। तो वो उत्तराखंड वाला नाटक हुआ था ना, गांजे की सब्जी बना के खिला दी थी उसकी मम्मी ने सबको। इसलिए मम्मी अपनी बॉटले लग रखती हैं। तो बस अब इसको कद्दू को छोड़ दिया, पकने देते हैं। और वैसे भी पक रहे हैं, ऐसे भी पक जाएंगे, पक जाएंगे। स्पेशल फूड आया है मम्मी, आप बात कद्दू से जल्दी पक जाएगा। ये बढ़िया था गुरु, कद्दू का जल्दी पकाएगा ना। वो गाना सुना के वो कौन सा तेरी बहू से, ये किसी ने लगाते हुए नहीं दिखाया होगा आज तक यूट्यूब पर। आटा लगाना, आओ आटा लगाना सीखे। हेलो फ्रेंड्स आटा लगाना सीखे। आई विल टेल यू द प्रो टिप्स। आटा लगाने की, हाँ, पूड़ी का आटा लगाने की। अभी तो हम गोवा पहुंचने वाले होते, बताओ। ये गोवा वाली स्टोरी जो है ना, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा कि क्या हुआ। हाल फिलहाल कंसंट्रेट करो आटा लगाने पे। गोवा जाते जाते गोया हो गया। इधर मम्मी दही निकाल रही है रायते के लिए, क्योंकि बूंदी रायता अचार कद्दू पूड़ी कॉम्बिनेशन ही अलग लेवल पे। कैसा बना क्या है अभी आगे चल के दिखा रहे हैं अपन। तो मिर्ची कर लेते हैं, मजा आया। एकदम बिल्कुल साफ धूप, एकदम कड़क निकली हुई है। आज फिर शाम को बारिश होगी, कल तो इतना झमाझम पानी आया यार, मजा आ गया था। आटा लग गया हमारा, अभी नहीं हो, अब पूड़ियां तला जाए तो फिर बस पक रहा है धीरे धीरे कलर। तुम इससे बातें करो, बुरी बुरी जल्दी पकेगा। इधर रायता तैयार हो गया हमारा, रायता और एक अनप्लांट सब्जी भी तैयार हो रही है। तो ये हमारी अनप्लांट सब्जी अरबी के पत्ते, पात्रा अरबी का पात्रा, ठीक है। तो इस पे क्या बेसन का घोल बना के लपटा जा रहा है, इसका रोल किया जाएगा, रोल करके इसको इस तरह से स्टीम, देन इसके बाद आगे जो होगा वो मैं बने रहो तो फिर दिखाता हूँ, है ना। गरम गरम पूरी, वो पुराने वाले कहाँ रखे बेटा? गया नीचे। क्या पुराने वाले? ये विजय, वो थैली में रखे थे। हो गया अपना लंच का टाइम, आज नाश्ता नहीं किया था क्योंकि कुछ अच्छा बन रहा था। दिखा दे यार थाली में क्या है क्या नहीं। तो पूरी पत्ते के भजिए बना दिए मम्मी ने, अनफॉर्चुनेटली जो सब्जी बननी थी उसकी जगह कैरी और लहसुन का अचार जो अभी दो तीन दिन पहले ताज़ा ताज़ा डाला है, अभी गली भी नहीं है पूरी तरह से, बेसन की मिर्च कद्दू रायता और आज की थाली यही। खत्म करते हैं।